लक्ष्मीकांत जी ये क्या हो रहा है, ये कहते हैं आप कहते हैं 600, ये कहते हैं 500, अब ये कह रहे हैं 500, तो अब आप कह रहे हैं कि 450 हो क्या रहा है, क्या ये होने वाला है कि राजस्थान में 50-50 रुपए कम कर करके सिलेंडर दिया जाएगा। देखिए पूरे देश में 600 रुपए का सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से दे रहे हैं। राजस्थान को 5 साल कांग्रेस पार्टी ने जमकर लूटा, शुरुआती झूठ से हो गई है। देख बोलने दीजिए भैया, बोलने दीजिए, 600 रुपए कहां हो रहा है? मैंने आपकी चोरी उचक्की वाली तो बात अभी की नहीं, अभी करूंगा आगे। चोरी उचक्की अभी करूंगा आगे, आप हो अभी करूंगा आगे। चोरी तो आप कर रहे हो, चोरी तो आप कर रहे हो। 32,000 करोड़ अदानी सरकार का प्रवक्ता बीच में बोल रहा है, इसका मतलब बोलने के लिए कुछ है नहीं, बीच में बोलने के लिए कुछ है नहीं। सरकार का प्रवक्ता बोल रहा है 600 रुपए सरकार का प्रवक्ता बोल रहा है 600 रुपए सिलेंडर कहां मिल रहा है? 600 रुपए का सिलेंडर हिंदुस्तान में कहां मिल रहा है? शुरुआत ये जहाँ से झूठ से होती है, तो झूठ बताइए 600 रुपए कहां मिल रहा है? बताओ 600 रुपए कहां मिल रहा है? 600 रुपए सिलेंडर कहां मिल रहा है? सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? नौटंकी मत करिए, नौटंकी मत करिए। सिलेंडर भ्रष्ट सरकार, निकृष्ट सरकार, राजस्थान को लूटने वाली सरकार, जिसने 5 साल तक राजस्थान की जनता को जमकर लूटा, जिसने राजस्थान की जनता को जमकर लूटा। ये बाहर से आकर राजस्थान को बदनाम करने वाले लोग, ये लूटने वाले लोग जिन्होंने लूटा। एक मिनट अतुल जी, अतुल जी, मैं भारतीय हूँ और मेरा संविधान आपके बात का मुझे कहीं भी जाने की इजाजत देता है। मुझे भाजपा से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। 600 रुपए का सिलेंडर कहाँ आता है भाई साहब महाराज के पास? 600 रुपए का सिलेंडर भारी का पहुँच गया है। अतुल जी, लाल डायरी का हिस्सा पहुँच गया है। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, एक मिनट, लाल डायरी का, शांत हो जाए। राजस्थान को लूटने वाली लाल डायरी का सवाल पूछूंगी। लक्ष्मीकांत जी बात पूरी कर रहे हैं, चुप हो रहे हैं। मेरी आवाज दबा दी, झूठ, मेरी आवाज दबा दी। ये चुप, ये देखिए देखिए, शांत हो जाइए। आपको मौका मिलेगा, ऑडियंस आपको मौका मिलेगा। मीनाक्षी लक्ष्मीकांत जी बात पूरी करें। मैं इनके बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में बोलेंगे, एक मिनट नहीं बोल पाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, एक मिनट नहीं बोल पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार वो उनको सुने तो सही, ये डर क्यों रहे पहले भाई? कम से कम सुने तो सही, उन्होंने भी तो सुनी उनकी बात, पहले बात तो रखे। और जब हम बोलना चालू करेंगे, जब जनता बोलना चालू करेगी, आप जवाब नहीं दे पाओगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अगर कुछ काम किया होता तो बाहर से आए हुए प्रवक्ता को बौखलाना नहीं पड़ता। राजस्थान में जो लूट 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने चलाई, ये बाहर से आकर प्रवक्ता है या राजस्थान में जो बौखला रहे हैं। सरकार के पास अगर बोलने के लिए कुछ होता तो इनके पास देती। राजस्थान को 5 साल जमकर लूटा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, राजस्थान को लूट कर राहुल गांधी की यात्रा इन्होंने चलाई। राजस्थान की बहन बेटियों के साथ जिस तरह का अनाचार और अत्याचार हुआ, हमारी बेटियां टुकड़ों में काटी गई।